हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सर्किट थ्योरी के बारे में आइडिया लिया था। इस क्लास में उसी को कंटिन्यू करेंगे, मतलब सर्किट थ्योरी से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को करेंगे और फिर हम एक पढ़ेंगे, एक और चीज पढ़ेंगे जिसका नाम होगा केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, और फिर उससे रिलेटेड भी हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ठीक, तो लास्ट क्लास में जो मैंने प्रॉब्लम लिया था बस उसी कंटिन्यूएशन को कंटिन्यू करते हैं। लाइक मैंने आपको कुछ एक ही क्वेश्चन बताए थे, फिर से देखो कुछ और सारे क्वेश्चन। बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल और प्लेन सर्किट है। ठीक, इसमें जो है बच्चों हमने कुछ ऐसा ले लिया सर्किट, ठीक, और इसकी वैल्यूज को हम डाल देंगे। जैसे ये बैटरी, आप समझिए लो बैटरी का मान लो ये 20 वोल्ट है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम ले लो, ये कुछ भी ले लो, 2 वोल्ट ले लो और ये 3 वोल्ट ले लो। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि जो करंट है वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में बताने, इसका मतलब है कि आपको करंट बताना, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन द ब्रांचेस। ब्रांचेस में आपको क्या बताना है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट बताना। अब देखो, जैसा पिछले क्लास में बताया था और अभी फिर बता रहा हूं मैं, इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग टेक्निकल इन दिस प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्लस है और ये माइनस। बैटरी का जो बड़ा वाला डंडा होता है बच्चों वो होता है प्लस और छोटा वाला होता है माइनस। ठीक, ओके, तो इसका मतलब है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया? 20 वोल्ट का हो गया। यहाँ प्लस 20 लिया तो यहाँ 0 वोल्ट ले लिया, और बच्चों जब यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ 0 वोल्ट होगा और यहाँ 0 वोल्ट होगा, क्योंकि प्लेन वायर कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ 0 तो यहाँ 0 तो यहाँ 0। क्लियर? अब आप ध्यान दो कि करंट सपोज करो इस वाले ब्रांच में I1 जाएगा और इस वाले ब्रांच में I2 जाएगा। अब आपको बताया था कि करंट अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है तो ये हाई पोलैरिटी होगी, प्लस होगा ये माइनस होगा, दिस इज व्हाट प्लस एंड दिस इज व्हाट माइनस। लेकिन आप देखो तो करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस द रेजिस्टर, तो ड्रॉप का मतलब हुआ ये हाई पोटेंशियल, क्योंकि ये 20 तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा और यहाँ बच्चों लो होगा, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको जो सर्किट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट दिया था लास्ट क्लास में उसके अकॉर्डिंग ये लिख लेना, यहाँ पे कितना और यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना और यहाँ पे कितना, उससे ही आपको लेना देना। यहाँ पे तो प्लस 20 है तो प्लस 20 इस पर्टिकुलर लाइन पे आप प्लस 20 यहाँ ड्रॉप कर रहा है, कितना 5 I1 कर, तो माइनस 5 × I1 इसके क्रॉस ड्रॉप हो गया, फिर माइनस 2 वोल्ट और इक्वल टू कितना 0। जैसा आपको पहले ही बताया था मैंने कि यहाँ 20 रुपए था, तो 20 रुपए था, ये कुछ खा गया 5 रुपए, ये खा गया 2 रुपए, जो बचा बैटरी वाट, तो बचा कितना, वो तो 0 है। अब यहाँ से आप I1 कैलकुलेट कर लोगे बच्चों, ये वो I1 इक्वल टू हुआ 18 upon 5, तो इस तरीके से आपने I1 कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली बच्चों आप I2 कैलकुलेट कर सकते हो, उसके लिए क्या करोगे, सब प्लस 20 इस वाले ब्रांच में ऐसे जा रहे हैं, प्लस 20, उसके बाद यहाँ ड्रॉप कितने का, -3 × I2, -3 = 0, तो बच्चों I2 कितना हो गया, I2 हो गया 17/3 A आंसर। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसान इसलिए है क्योंकि आपको एक ब्रांच को ही ऐसा ढूंढना होता है जिसमें कि एक सिंगल क्या हो, बैटरी लगी हो, तो प्रॉब्लम आसान है। अगर इसके साथ एक रेजिस्टेंस अटैच कर दिया तो फिर ये प्रॉब्लम थोड़ा आसान नहीं रहेगा, थोड़ा सा हल्का सा आपको अलग से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, जैसे मैंने मान लिया ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, उल्टा बैटरी का कनेक्शन, मान लो ये वैल्यू दे दिया मैंने 20 वोल्ट, कुछ भी लिख लो, यहां ले लो 2 ओम और ये कितना 2 वोल्ट ले लो, ये क्या ले लो 3 ओम ले लो और ये कितना 5 वोल्ट ले लो,
ठीक, ये 6 ओम ले लो और ये कुछ भी ले लो, 10 वोल्ट ले लो, ये आप 5 ओम और ये 6 वोल्ट ले लो। अगेन आपसे क्या पूछ रहा है, करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस, फाइंड द करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस, करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस। बहुत आसान, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो करंट एलोकेट करो। इसमें एक बेनिफिट क्या है हमारे पास, कि हमारे पास एक ऐसी लाइन है जिसमें कि एक सिंगल बैटरी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरप्लस 20 वोल्ट और यहाँ कितना 0 वोल्ट हो गया, बस। और इसी के अकॉर्डिंग खेल जाओ। यहाँ पे मान लो I1 गया इधर की तरफ, सपोज करो I2 गया इधर की तरफ, I3 गया और इधर की तरफ क्या गया, I4 गया। पोलैरिटी भी अकॉर्डिंगली डालो, ये हाई पोटेंशियल तो प्लस माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, इस पे आओ तो प्लस माइनस, अगेन प्लस माइनस, इधर की तरफ जाओ तो प्लस माइनस और ये क्या हो, प्लस माइनस, इधर जाओ प्लस माइनस, बट यहाँ माइनस प्लस क्योंकि बैटरी का उल्टा पोलैरिटी है। अब अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। यहाँ देखो I1 ये वाली ब्रांच में, इस वाले में, तो क्या लिखो गया, प्लस 20 वोल्ट, ये वाला, ये वाला, ये वाला ले रहा हूँ, ये वाला प्लस 20, इसके क्रॉस ड्रॉप कितना, माइनस 3 इंटू व्हाट, I1, और फिर यहाँ ड्रॉप कितना, -5, ये ड्रॉप नहीं है, बैटरी का वोल्टेज है, इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 0, यहाँ से I1 कितना हो गया, 5 एम्पीयर आंसर। 15 3 से डिवाइड हुआ, 5 एम्पीयर। I2 बताओ कितना हो, I2 इस वाले ब्रांच में, तो प्लस 20 प्लस 2 I2, सॉरी -2 I2 क्योंकि ड्रॉप हो रहा है, और -2 इक्वल टू हाउ मच, 0, 9, I2 इक्वल टू 9 एम्पीयर, बहुत अच्छा। I3 बताओ बच्चों क्या होगा, I3 होगा, उसके लिए प्लस 20 इस वाले ब्रांच में जा रहे हैं, ड्रॉप कितने का, माइनस 6 I3, और यहाँ -10 वोल्ट इक्वल टू 0, I3 इक्वल टू कितना, 10/5/3 एम्पीयर आंसर। ओके, I4 का बात करते हैं, ये वाली ब्रांच का, इस वाले ब्रांच में क्या लिखोगे आप, सर प्लस 20 -5 I4, और बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो इस वाले पार्ट में प्लस 6 वोल्ट होगा, नॉट -6, क्योंकि यहाँ माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं ना, माइनस से प्लस, तो इसका मतलब प्लस 6 = 0 वोल्ट। इसको सॉल्व करो, 36/5, यानी I4 इक्वल टू हुआ 26/5 एम्पीयर आंसर। और इस वाले ब्रांच में कितना होगा सर, इस वाले में सबको जोड़ दो, क्योंकि इधर से I1 आया, I2 आया, I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना, और प्लस I4, यानी कि ये वाला जो मेन ब्रांच हुआ, इसमें अगर मैं इसको I बोलू तो I भी हुआ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, सारे करंट को जोड़ लो आंसर, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 9/5 + 5/3 + 26/5 एम्पीयर आंसर। ये जो भी आएगा ऐड करके आंसर, यहाँ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, I1 आपने कैलकुलेट कर लिया है ना, इस वाले ब्रांच में देखो I1 आ रहा है, यहाँ तक क्या आया सर, I1 आया, इधर से क्या आ रहा है, I2 आ रहा है, तो इस वाले मेन ब्रांच में I1 + I2 रहेगा, तो जो करेक्ट होगा उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो ये सिंपलेस्ट प्रॉब्लम्स है, बहुत आसान है, इसमें काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी आएंगे, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा आपको करंट में मजा आना शुरू होगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, तो लिखो आप इसको, थोड़ा सा हल्का कॉम्प्लिकेटेड दिखाता हूँ डायग्राम आपको। करंट में सबसे बड़ी बात होती है कि कुछ भी डायग्राम बना लो आपको क्वेश्चन हो गया, बस बैटरी बैटरी लगा दो, हो गया। ये मान लो 20 वोल्ट है बच्चों, ठीक, यहाँ एक आप रेजिस्टर ले लो, यहाँ मान लो एक बैटरी ले लो, यहाँ एक रेजिस्टर ले लो, यहाँ बैटरी ले लिया, यहाँ भी एक रेजिस्टर ले लिया, यहाँ उल्टा बैटरी ले लो, ऐसे ले लो, ठीक, यहाँ कुछ आप रेजिस्टर ले लो और यहाँ कुछ एक आप बैटरी लगा दो, ऐसे एक ब्रांच रहेगा, इसमें भी कुछ ले लो,
इसमें भी एक हमने रजिस्टर लगा दिया, सपोज करो यहाँ एक फैक्ट्री लगा दी, अब वैल्यूज लिख दो कुछ भी, मान लो ये 5 वोल्ट है, ये 5 ओम है, ये 2 ओम है, 2 वोल्ट लिख लो, 3 वोल्ट, 3 ओम, बच्चों इसको कुछ ले लो, कितना ले लो, इसको 4 ओम ले लो, 4 वोल्ट ले लो, आपकी मर्जी कुछ भी ले लो, आंसर आ जाएगा 6 ओम 6 वोल्ट. Okay, so this is our situation. Again, you have to calculate what? The current in all branches. इसका मतलब है करंट आपको बताना है इन ऑल ब्रांचेस, सारे ब्रांच में आपको करंट बताना है. बहुत आसान है बच्चों, सर्किट थ्योरी पकड़ लो, लास्ट क्लास में बताया था बिल्कुल उसको. लेकिन सर्किट थ्योरी पकड़ने के लगाने के पहले आपको ये देखना है कि क्या ये आसान वाले क्वेश्चंस हैं. एक क्या आपके पास है कि कोई ऐसी लॉरी है जिसमें कि एक केवल सिंगल बैटरी हुई हो, यस सर हमारे पास ये वाली है, तो सर प्रॉब्लम हो गया बहुत आसान, क्योंकि यहाँ पे कितना हो गया 20 वोल्ट और यहाँ कितना 0 वोल्ट, तो ये 0 तो ये 0 तो ये 0, बस अब कहानी कर दो. यहाँ से क्या ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस है, ये ध्यान रखना पोलैरिटी, ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस. ठीक, यहाँ ये प्लस है माइनस है और ये प्लस है और ये माइनस है. ओके, तो हमने पोलैरिटी का काम कर लिया, इक्वेशन लिखेंगे. यहाँ से यहाँ 20 रुपए था, मैं ये कुछ खा गया, ये कुछ बैटरी है उसने या तो दिया या लिया, बच गया वो. तो लिखते हैं पहले वाले ब्रांच सर इसका करंट का, तो कुछ लिख लो किसमें क्या करंट दोगे. सपोज करो ये ग्रीन वाली से मैं ले रहा हूं, इसमें ले लो बेटा आप आई वन, इस वाले में आई वन, बीच वाले में आई वन, ठीक, इस वाले में मान लो आई टू ले लो, इस वाले ब्रांच में आप आई थ्री ले लो, इस वाले में आई फोर ले लो, इस वाले में आई फाइव ले लो. ऐसे भी काम करो, 1 2 3 4 5, तो 5 करेंट होंगे और ये सारे निकल के यहाँ आई होगा. एंड आई इज सिंपली व्हाट, सो आई इज सारे का सम, यानी आई इक्वल्स टू हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव. तो सबसे पहले आई वन निकालते हैं, ये वाली, इस वाली में क्या करोगे आप, देख के टफ लगता है, होता नहीं है कुछ भी. अगर मैं इस वाले ब्रांच में बात करूं, इस वाले में बोलो क्या होगा, प्लस 20 वोल्टेज ड्रॉप कितने का, आई वन इंटू 3 हो तो इसका मतलब माइनस 3 आई वन और ये कितना प्लस 3 इक्वल्स टू हाउ मच, जीरो. आई वन इक्वल्स टू 17/3 एम्पीयर. एक सेकेंड में आई टू का बात करते हैं सर, आई टू कौन सा है, ये वाला, तो इस वाले में क्या लिखोगे, 20 माइनस कितना ड्रॉप कितने का, 4 आई टू और 4 आई टू प्लस 4 इक्वल्स टू हाउ मच, जीरो, 24 4 आई टू इक्वल्स टू 24 24/4 कितना हुआ, 24 6 एम्पीयर आई टू आ गया. सिमिलरली आई थ्री का बात करते हैं, तो ऐसे आप आई थ्री के लिए 20 माइनस 6 आई थ्री माइनस 6 इक्वल्स टू 0 14 14/6 कितना हुआ, 7/3 एम्पीयर आई थ्री आ गया. आई फोर कैलकुलेट करते हैं, आई फोर कितना हुआ, आई फोर कौन सा है, ये वाली ब्रांच है आई फोर, आई फोर हो गया 20 माइनस हाउ मच, 2 आई फोर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 9 एम्पीयर आया बच्चों. और आई फाइव ये वाले में चले हम, तो 20 माइनस कितना, 20 माइनस 5i5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 i5 इक्वल्स टू हो गया 3 एम्पीयर. अब इन सबको जोड़ दो तो ये वाले ब्रांच में करंट पता लग जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ आसान क्वेश्चन है, ढेर सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन, आपको ढेर सारे अच्छे नंबर मिलेंगे आसान वाले क्वेश्चन से, जो भी पैकेजेस हैं उसमें मिलेंगे. अब जब हमने सर्किट थ्योरी को थोड़ा सा समझ लिया है तो हम बढ़ते हैं केसीएल की तरफ.
KCL, KCL का मतलब होता है बच्चों Kirchhoff's करंट लॉ, Kirchhoff's करंट लॉ। पहले तो मैं आपको उनका सा डायग्राम बता दूं, यानी कि Kirchhoff ने सोचा कैसे था। पहले ऐसे देखो, मान लो ये आपके पास एक ब्रांच है, इसमें करंट I1 आ रहा है, इस वाले में I2, यहाँ से I3 मान लो निकल रहा है और ये I4 निकल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ एक कुछ जंक्शन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे करंट आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है। तो Kirchhoff ने ये सोचा कि करंट एक्चुअली है क्या, फ्लो ऑफ द चार्जेस। तो इसका मतलब इस जंक्शन पे चार्ज आ रहा है, यहाँ चार्ज आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। इसका मतलब आने वाला जो चार्ज होगा वो जाने वाले चार्ज के बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल है कि जितना चार्ज किसी जंक्शन पे आता है उतना ही चार्ज उस जंक्शन को छोड़ता है। आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज करो कि एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म मतलब ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, और ट्रेन के प्लेटफॉर्म में अगर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन है तो क्या पीछे वाली ट्रेन आएगी, नहीं आएगी, यानी कि वो ट्रेन निकलेगी तभी आएगी। सिमिलर इज द केस विद Kirchhoff's law, थिंकिंग वॉज वेरी सिंपल, है ना। Kirchhoff's थॉट वेरी सिंपली, उसके अकॉर्डिंगली ये था कि करेंट I1 आया, I2 आया, जितना आएगा उतना ही जाएगा, सिंपल। इसका मतलब मैथमेटिकली उन्होंने लिखा सम ऑफ करेंट रीचिंग एट ए जंक्शन इज जीरो, एल्जेब्रिक सम ऑफ वाई एल्जेब्रिक, क्योंकि करेंट इज स्केलर क्वांटिटी, सो इट्स नॉट वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई एल्जेब्रिक सम, या स्केलर सम। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट रीचिंग एट ए जंक्शन, करेंट एट ए जंक्शन इज जीरो, ये कहता है। चेक कितना लिखो आप, इसमें एक काम करो, वहां तो समझाने के लिए बताया था रेजिस्टेंस ले लो, बिफोर हमने रेजिस्टेंस सपोज करो ले लिया, ये पॉइंट था हमारा, मान लो ए, ये बी है, ये मान लो सी है और ये डी है। इसमें करंट I1 आया, इधर से I2 गया, और यहां मान लो I3 है, एंड दिस इज व्हाट I4। ओके, और ये जंक्शन फॉर्म हो रहा है हमारा, ये वाली जो है ना, ये जंक्शन है। रेजिस्टेंसेस अकॉर्डिंगली सुनो, मान लो मैंने यहाँ R1 ले लिया, इसको R2 ले लिया, इसको R3 ले लिया, और इसको मैंने R4 ले लिया। तो जैसा आपको मैंने बताया कि सम ऑफ डेल्टा I इक्वल्स टू होता है कितना बच्चों, जीरो। और ये जो KCL है ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, तो KCL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, जितना करंट आएगा उतना निकलेगा, ठीक। अब बच्चों ध्यान से देखो, और तो ये हमारे पास जो जंक्शन है ना, इसकी पोटेंशियल हमें नहीं पता है। तो इसको मान लो कुछ भी एक से वाई व्हाटएवर मान लो, मैंने मान लो इसको एक्स मान लिया जंक्शन पर, ठीक। तो आप ध्यान से देखो तो क्या आई वन आ रहा है, अच्छा ये बुक्स में भी लिखा होता है कहीं, आप ऐसे ले लो, आने वाले को पॉजिटिव मिलेगा तो जाने वाला निगेटिव होगा, तो आई वन प्लस आई टू आने वाला माइनस और जाने वाला आई थ्री माइनस आई फोर, एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट जीरो, तो भी सम ऑफ ऑल करें एट ए जंक्शन इज व्हाट जीरो। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, I1 plus I2 equals to I3 plus I4। ओके, अब यहां पे पोटेंशियल सपोज करो, यहां पे पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल और यहां पे पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल बच्चों मान लो ये है, यहां पे पोटेंशियल VB है, यहां VD है और यहां VC है। तो आप अकॉर्डिंगली लिखोगे इक्वेशन क्या, I1, I1 क्या होगा बच्चों, I1 होगा सर VA माइनस X बाई R1, देखो ना यहां और यहां का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज व्हाट करेंट, प्लस VB माइनस X अपॉन R2 इक्वल्स टू I3, कितना बच्चों यहां का पोटेंशियल हाई तभी तो इधर से इधर करेंट जा रहा है, इसका मतलब X माइनस R3 अपॉन X माइनस V3, सॉरी X माइनस VC अपॉन R3 प्लस X माइनस VD अपॉन R2। अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो क्या लिखोगे, VA माइनस X अपॉन R1 प्लस VB माइनस X अपॉन
आर टू माइनस वी सी माइनस एक्स अपॉन आर थ्री, इसको चेंज क्यों किया मैंने, ये इधर आएगा ना, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस व्हाट, एक्स माइनस वी सी माइनस एक्स माइनस वी डी अपॉन आर फोर इक्वल्स टू जीरो। इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करोगे तो क्या लिखोगे, वी ए माइनस एक्स अपॉन आर वन प्लस वी बी माइनस एक्स अपॉन आर टू प्लस वी सी माइनस एक्स अपॉन आर थ्री प्लस वी डी माइनस एक्स अपॉन आर फोर इक्वल टू अपॉन जीरो। अब देखो एक्चुअली जो ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये आपका केसी है, लेकिन प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं कि जो अननोन पोटेंशियल होता है, अननोन पोटेंशियल से लिखने में बेटर है। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो क्या, रीअरेंजिंग आपको एक बेहतरीन रिजल्ट आएगा। क्या आएगा सर, एक्स माइनस बी ए अपॉन आर वन प्लस एक्स माइनस वी बी अपॉन आर टू प्लस एक्स माइनस बी सी अपॉन आर थ्री प्लस एक्स माइनस वी डी अपॉन आर फोर इक्वल्स टू जीरो। ये एक्चुअल तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, दिस इज द वे टू एक्चुअली सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक, व्हाट एवर अननोन पोटेंशियल यू हैव गिवन, स्टार्ट फ्रॉम देयर। ठीक, जो अननोन पोटेंशियल है वहां से हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बेटर रहता है। मैं टाइम स्पेस है इसलिए कुछ क्वेश्चन लेता हूं इजी सा। मान लो यहां कुछ भी ले लो, ये ए है पॉइंट, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ओके, मान लो ये दो ओम है, ये चार ओम है, ये छह ओम है और ये आठ ओम है। ये कुछ भी ले लो तुम, 50 वोल्ट ले लो, ये 70 नहीं, यहां 100 मार को ले लो वोल्ट, ठीक 100 ले लो, यहाँ 75 वोल्ट ले लो, यहाँ पे 50 वोल्ट ले लो और यहाँ पे कितना ले लो आप, यहाँ मान लो 25 वोल्ट ले लो। आपसे पूछ रहा है करंट इन द ब्रांचेस बताओ, करंट इन द ब्रांचेस, ऑल ब्रांचेस, सारे ब्रांच में आपको करंट बताना है। ओके नो प्रॉब्लम, इतने हो जाएगा स्पेस में। एक काम करो, यहाँ हमें नहीं पता इस पॉइंट का पोटेंशियल, हमें थोड़ी पता है, एक्स ले लिया मैंने, अब यहां से करंट दौड़ा दो, है ना, यहां से दौड़ा, दिस इज अनोन पोटेंशियल एंड आई हैव अज्यूम दैट दिस पॉइंट इज हैविंग एन हायर पोटेंशियल, तो करंट इधर की तरफ सपोज करो आई वन जाएगा, इधर की तरफ आई टू जाएगा, इधर की तरफ आई थ्री जाएगा और इधर की तरफ आई फोर जाएगा। ठीक, अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन आप लिख लो, एक्स माइनस हाउ मच 100 अपॉन कितना 2 प्लस x माइनस 75 बाई कितना 4 प्लस x माइनस 50 अपॉन 6 प्लस x माइनस 25 अपॉन 48 इक्वल्स टू जीरो। इसको सॉल्व करके x निकाल लो, जो भी x की वैल्यू आएगी, अब ध्यान दो x आ गया तो दिस इज व्हाट सर आई वन, आई वन आ गया क्योंकि x माइनस जो भी आएगा x की वट एवर वैल्यू जो भी आएगी, अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो आप क्या करो, x आ गया तो आई वन आ गया, सर दिस इज व्हाट आई टू, दिस इज व्हाट आई थ्री एंड दिस इज व्हाट आई फोर। ठीक, तो अगर मान लो तुमसे पहले वाले ब्रांच में करंट निकालना, इस वाले ब्रांच में करंट निकालना, तो आई वन एक बता देता हूं, आई वन कितना है, एक्स माइनस 100 बाई हाउ मच 2, मान लो एक्स की वैल्यू मान लो सपोज करो, मैं तो रैंडम कुछ भी लिख दे रहा हूँ तो सॉल्व करने में टाइम जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली आई एम इंटेंडेड टू कीप द वीडियो शॉर्ट, तो मैं आपको ये एक्स वैक्स खुद से कैलकुलेट कर लूंगा। तो एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली, सपोज करो वो 200 आ रहा है, तो 200 माइनस 100 अपॉन हाउ मच 2, दैट वुड बी व्हाट 50 एम्पियर। अगर मान लो ये 50 ही आता है, अगर ये 50 आया तो इसका मतलब 50 माइनस 100 अपॉन 2, इसका मतलब कितना हुआ, माइनस 25 एम्पियर। माइनस साइन का मतलब यहाँ क्या हुआ, माइनस साइन का मतलब मैंने माना कि ये ज्यादा पोटेंशियल पे है तो करंट इधर गया, निगेटिव करंट आने का मतलब कि करंट ए से किधर एक्स की तरफ है, उल्टा है, जो मैंने अज्यूम किया है इसका उल्टा है।
तो कभी भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स में करंट निगेटिव आने का मतलब यह नहीं होता है कि तुम्हारा गलत हो गया, नो। इसका ये सिंपल मतलब हुआ कि जो आपने डायरेक्शन एज्यूम किया है ठीक उसका अपोजिट आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो अभी ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया से फीलिंग आ जाएगी केसीएल का। जो पिछला फॉर्मेट था उसी में थोड़ा सा हल्का सा चेंज करते हैं और नए टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। जंक्शन ढूंढो कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा हो, करंट का पासिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो मान लो ये पॉइंट है, अब इसकी आप मान लो एक्स ले लो पोटेंशियल, जो कि हमें नहीं पता है। ठीक, यहाँ जीरो वोल्ट ले लो, यहाँ जीरो वोल्ट ले लो और यहाँ जीरो वोल्ट ले लो, तो यहाँ जीरो तो क्या यहाँ जीरो वोल्ट हो गया। क्योंकि देखो अभी आप आओगे मजा आएगा आपको लिटरली करंट में, बेहतरीन टॉपिक है करंट एंड कैपेसिटर, है ना। तो अभी तो ये आसान वाले चल रहे हैं, तो ये तो चलो सारे अच्छे से जानते हो बच्चे साइंस मेरे ख्याल से पहले से। अब क्या करना है, इस वाले ब्रांच में सब कुछ आई वन करंट जा रहा है, तो मैंने इसमें आई वन लिख दिया, इसमें आई टू ले लो, इस वाले में आई थ्री ले लो। ठीक, और सारे के सारे यहाँ पे मान लो आई जा रहा है, आई जा रहा है इस वाले ब्रांच में। तो इस वाले में आई वन, इसमें आई टू, इसमें आई थ्री और इस वाले में क्या आई है। तो इतना सर तो हमें समझ में आ ही गया है कि अगर इधर से आई वन आएगा सर, इधर से आई टू आएगा और इधर से आई थ्री आएगा, तो क्या आई इक्वल्स टू, ये जो आई है इस आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। अब आई वन निकाल लो, आई टू निकाल लो, आई थ्री निकाल लो, बट वो निकालने के लिए आपको एक पहले बता होना चाहिए, एक चीज अननोन पोटेंशियल। इसको कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है, एक मेथड है बड़ा सिंपल वाला कि सर सर्किट थ्योरी लगा लो। तो पहले सर्किट थ्योरी से देखते हैं, मेथड वन मेथड टू करके दो तरीके से आपको समझा लेता हूं, तो आपको बेटर फीलिंग आएगी। पहला मेथड है दैट इज व्हाट द यूज ऑफ सर्किट थ्योरी। एक्स से चलो तो सर पोलैरिटी भी तो बता दो, एक्स को मैं हाई पोटेंशियल पे लिया तो रॉक इसके क्रॉस प्लस माइनस और इसके क्रॉस प्लस माइनस, यहाँ क्या ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ये क्या प्लस माइनस और ये प्लस माइनस और ये क्या प्लस और माइनस, इधर से देखो तो ये प्लस माइनस और ये प्लस और माइनस। अब उसी के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन लिखो, इक्वेशन लिखेंगे तो एक्स माइनस हाउ मच 5y1, 5 और 10 15 हो जाएगा, तो फिर भी ऐसे आप लिखो 5y1 माइनस 10y1, चूंकि बिगिनर हो तो सीधे आओगे तो बता लगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एक लाइन आंसर लिखोगे डायरेक्ट। अब यहाँ आप बताओ क्या माइनस 5 वोल्ट इक्वल्स टू हाउ मच 0। अब सर एक्स यहाँ से हमें पता लग गया, एक्स कितना i1 सॉरी आईवन कितना हुआ यहाँ से, ये 15 हो गया, आईवन इक्वल्स टू हुआ सर, आईवन इक्वल्स टू हो गया बच्चों कितना, एक्स माइनस 5 अपॉन 15,
ये आएगा आपके पास, ठीक। आई टू को बात करो, एक्स माइनस कितना, एक्स माइनस टेन प्लस टेन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टेन आई टू सॉरी टेन आई टू और माइनस माइनस या प्लस 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 टेन इक्वल टू जीरो, तो आई टू इक्वल टू कितना होगा, आई टू इक्वल टू एक्स माइनस टेन बाई वन टेन। What about I3? I3 हुआ फिर कितना, I3 हुआ x माइनस फाइव आई थ्री माइनस फाइव आई थ्री, एक्स माइनस फाइव आई थ्री बोलते ड्रॉप, फाइव आई थ्री बोलते ड्रॉप माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू नॉर्मल जीरो। I3 कितना हो गया, I3 इक्वल्स टू हुआ x माइनस फिफ्टीन बाई टेन, तो ये हुआ क्या I3। और एक और इक्वेशन, क्योंकि चार वेरिएबल है ना आपके पास, आई वन आई टू आई थ्री एंड नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला है सर हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास कितना, सॉरी एक ये है वेरिएबल, एक ये हुआ, ये हुआ और एक एक्स वेरिएबल है, यानी चौथा इक्वेशन पीछे है। अब ध्यान से देखो बच्चों क्या लिया मैंने, एक काम करो आप, ये अगर मान लो ये आप ऐसे देखो कि तो आप इस तरीके से ना लिख करके, अगर मैं इसको ये ले लू कि बच्चों यहां से ये आई थ्री नहीं, ये तो आई थ्री थी यहां तक, इस वाले ब्रांच में मैं ले लेता हूं, इस वाले ब्रांच में मैं आई फोर ले लेता हूं और ऐसे दौड़ा दौड़ा, तो एक इक्वेशन और बन जाएगा, और एक इक्वेशन बनेगा क्या लिखोगे आप, एक्स माइनस हाउ मच टेन आई फोर माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो, जहां से आई फोर कितना है, आई फोर आ गया आई फोर एक्स माइनस ट्वेंटी अपॉन टेन। अब देखो आपके पास चार इक्वेशन हो गए है ना, ये बेटर मेथड है कि आप क्या करो ना, ये जो अनमोल जलसर है यहां से एक करेंट आई वन आई टू इधर आई थ्री और आई फोर ले दो है ना, और अकॉर्डिंगली आप क्या लगा दो सर्किट थ्योरी लगा के आई वन आई टू आई थ्री आई फोर निकाल दो। अब आपके पास कितने वेरिएबल है, खिलाड़ी कितने, चार, एक दो तीन और एक चार, चार वेरिएबल चार इक्वेशन, और यहां से आप क्या करो सर x कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक, यहां से आप x कैलकुलेट कर लो और x जब आ जाएगा तो अकॉर्डिंगली आप क्या निकाल लोगे, I1 निकाल लोगे, I2 निकाल लोगे, I3 निकाल लोगे, आई फोर निकाल दो। मान लो आई वन आपसे पूछा तो आई वन कितना है बच्चों, आई वन इज एक्स माइनस फाइव बाई हाउ मच फिफ्टीन, आंसर एक्स अगर आपके पास आ गया तो आप क्या करोगे, आई वन निकाल सकते हो, आई टू निकाल सकते हो, आई थ्री निकाल सकते हो, आई फोर निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका था आपका क्या कैलकुलेट करने का, ये एक तरीका था हमारे पास करंट कैलकुलेट करने का, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि मान लो सारे ब्रांचेस पे क्या हो रहा है करंट, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 एक बस तो हम जीरो है ना, तो इसका मतलब हुआ कि आप क्या लिखोगे, I1 कितना हुआ x माइनस फाइव बाई फिफ्टीन प्लस x माइनस टेन बाई टेन प्लस x माइनस फिफ्टीन बाई टेन और प्लस x माइनस ट्वेंटी बाई टेन इक्वल टू हाउ मच जीरो, यहां से x की वैल्यू निकाल दो, x आ गया तो i1 पता हो गया आपको, ये i2 हो गया सर, ये i3 हो गया और ये i4 हो गया। एक बार फिर से आपको समझाता हूं, मुझे लगता है थोड़ा अच्छे से आपको बताना पड़ेगा बेटा, मैंने ये अननोन एक जंक्शन लिया, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में देखा होगा आपने यहाँ पे एक सिंगल बैटरी लगी थी, इसके साथ एक रेसिस्टर आ गया, रेसिस्टर आ गया तो बच्चों अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 20 थोड़ी हुआ,
20 नहीं हुआ क्योंकि ये कुछ खा जाएगा, तो कुछ अलग हुआ है ना, तो अलग हुआ तो क्या हुआ हमें नहीं पता, तो मैंने एक्स मान लिया, एक्स मान लिया और ये हाइपोटेंशियल पे मैंने ले लिया, ये एक्स है तो इसको जीरो ले लिया, तो ये जीरो ये जीरो तो ये जीरो हो गया। अब इस जंक्शन से चार करंट निकल रहा है I1, I2, I3 और I4, और किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स लॉ सिंपली कहता है सर कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू कितना जीरो है ना, तो सारे का सम जीरो। तो पहले तो ये सर्किट थ्योरी लगा करके I1 निकाला, फिर I2 निकाला मैंने, फिर I3 निकाला और फिर I4 निकाला, और उसके बाद क्या किया, मुझे क्या निकालना है, x कैलकुलेट करना है, बट x कैलकुलेट करने के लिए इससे नहीं होगा ना, ये आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए क्या किया मैंने x कैलकुलेट करना, यानी कि आपके पास वेरिएबल 4 है और ये इस तरीके से आप x नहीं निकाल पाओगे, x के लिए क्या करना पड़ेगा कि जंक्शन लॉ लगा दिया, सारे करंट जो होते हैं जंक्शन पे उनका सम कितना होता है, जीरो होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू जीरो, ये लिख दिया। अब इसमें तो एक सिंगल इक्वेशन है ना, और सिंगल वेरिएबल है तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई तो आप I1 कैलकुलेट कर लोगे, x माइनस 5 अपॉन 15, x की मान लो 10 वैल्यू आ गई तो कितना हुआ 10 माइनस 5 अपॉन 15, समझ रहे हो ना, I2 I3 I4 इस तरीके से निकाल सकते हो। ये एक आपका क्या है मेथड है, लेकिन ये जो मेथड है थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लिकेटेड ये हुआ कि आपको सर्किट थ्योरी लगाना पड़ रहा है। अगर एक बात आपको मैंने सर लास्ट क्लास में हल्का सा डिस्कशन किया था कि अगर मैं ये बैटरी जो यहाँ लगी हुई है, अगर मैं यहाँ ले आऊ और इस मतलब बैटरी को ऊपर ले जाऊं और रेसिस्टेंस को इधर उधर कर लो, यानी कि रिप्लेसमेंट अगर मान लो मैं ये बैटरी ऊपर चली जाए रेजिस्टेंस नीचे चला है, ये ऊपर चला जाए ये दोनों रेजिस्टेंस नीचे चला रहे हो, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस इसी का हम फायदा उठाएंगे। कैसे उठाएं इसको, ऑल्टरनेटिवली अगर मैं देखूं, यानी आप दूसरे मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है एक्स है, और यहाँ पे कितना है, ये पॉइंट पे आप ऐसे यहाँ पे प्लस फाइव, तो ये x है और ये प्लस 5 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है x माइनस 5 हुआ, मैं बोल रहा हूँ ये x हुआ ये प्लस 5 हुआ, इस ब्रांच में करंट क्या I1 है, तो I1 इक्वल टू आप डायरेक्टली लिख सकते हो x माइनस 5 बटा ये दोनों सीरीज, या इन दोनों का सम कर दो सिंपली, अगर सीरीज नहीं आता तो ऐसे भी देख के पता लगा सीरीज है तो 15 पता। दूसरा इस वाले में देखो I2, तो I2 इक्वल टू क्या हुआ, ये x है और यहाँ बच्चों माइनस 5 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हुआ यहाँ और यहाँ के बीच में, एक्स माइनस फाइव अपॉन वॉट 10, तो ये हुआ एक्स प्लस 5 अपॉन 10 बच्चों आपको बताया था ना लास्ट क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ये एक्स है और ये कितना है यहाँ माइनस 5 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्स प्लस 10 का हुआ, तो x प्लस 10 अपॉन व्हाट 10 था। I3 कितना, I3 हो गया सर, अब ये कितना है प्लस 15, x प्लस x माइनस 15 अपॉन हाउ मच 10 खत्म। I4 के बारे में क्या ख्याल है, तो I4 इक्वल टू हो जाएगा I4 यहाँ पे प्लस 20, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, x माइनस 20 एक्स माइनस 20 अपॉन कितना अपॉन 10 खत्म। अब बात बाकी तो कुछ है नहीं, क्या पढ़ा सबका सम इक्वल टू जीरो, क्योंकि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू हाउ मच जीरो, तो इसका मतलब एक्स माइनस 5 बाय 15 प्लस एक्स प्लस 5 बाय 10 प्लस एक्स माइनस 15 by 10 plus x minus 20 by 10 equals to 0, यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से आ गया क्या x, और x आ गया तो I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया, I4 आ गया, समझ रहे हो ना। तो मेन थिंग इज कि अननोन आपके पास जो पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट आपको करने आना चाहिए, अगर वो आपने कैलकुलेट कर लिया तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए कुछ भी बहुत आसान रहता है। मान लो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं,
ये क्वेश्चन है आपके पास, करंट बताने हैं बट सर वो दे दो डेटा, मान लो 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 15 ओम है, ठीक, और ये 10 ओम है। बैटरी की वोल्टेज सर, बैटरी की वोल्टेज ले लो मान लो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 15 वोल्ट और ये 5 वोल्ट है, करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस, फाइंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस। प्रॉब्लम को कैसे है देखो बच्चों, इसमें कोई भी ऐसा हमारे पास लाइन नहीं है, यानी कि कोई भी हमारे पास ऐसा कोई एक लॉरी नहीं है जिसमें कि एक सिंगल बैटरी लगी हो, यानी कि बैटरी के साथ वोल्टेज भी लगा है। तो इसका मतलब है कि सर ये वाला जो जंक्शन बन रहा है वो अननोन पोटेंशियल होगा। मान लो एक सर ये एक्स ले लिया, मान लो यहाँ 0 वोल्ट ले लिया, तो ये 0 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, ठीक। अब क्या करना है देखो, वो जो बड़ा वाला मेथड था ना उसको छोड़ करके आप सब्ट्रैक्टिव यूज करो, जो सेकंड मेथड मैंने बताया अल्टरनेटिव। मान लो इस वाले ब्रांच में बच्चों आई वन गया, इस वाले में गया आई टू, इस वाले में गया आई थ्री और इधर की तरफ गया आई फोर, ठीक। और आप सब जान ही रहे हो कि क्या आई वन प्लस आई टू और प्लस आई थ्री और प्लस आई फोर इक्वल्स टू बच्चों कितना होगा, 0 हो, ठीक। कैसी है अब क्या करो देखो, तभी मैंने बोला था अननोन पोटेंशियल से आपको अननोन पोटेंशियल से करंट भेजते हैं। अब इसी में कोई अगर नेगेटिव आ जाता है, मतलब आई वन मान लो नेगेटिव आ गया, आई वन नेगेटिव आने का मतलब क्या, एज्यूम डायरेक्शन इनवर्स अपोजिट टू द एक्चुअल आंसर। तो यानी कि आई वन क्या होगा बच्चों, अब देखो ये एक्स है, यहाँ पे कितना है प्लस 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ एक्स माइनस 10, तो एक्स माइनस 10 अपॉन 5, दिस इज व्हाट आई वन प्लस। बच्चों इसके अबाउट बोल, इसके अबाउट क्या है, ये माइनस 20 वोल्ट है, तो एक्स प्लस 20 हो गया अपॉन कितना 20, बैटरी की वोल्टेज भी नहीं 20 नहीं 15 है, 15 दिया मैंने प्लस, यहां बोलो कितना सर ये प्लस 15 वोल्ट है यहां पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ एक्स माइनस 15 अपॉन बैट, ये रेजिस्टेंस कितना 10 प्लस, इसके अबाउट बोलो क्या ये प्लस 5 है, तो एक्स माइनस 5 अपॉन बच्चों कितना ये 10 इक्वल टू कितना 0 खत्म। अब यहां से क्या निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे और एक्स की वैल्यू आ गई तो आई वन आ गया, ये क्या है सर आई वन है, आई टू आ जाएगा, सिमिलरली आई थ्री आ जाएगा, सिमिलरली आई फोर आ जाएगा। तो देख रहे हो कि जो सर्किट थ्योरी था उससे बेटर ये वाला थ्योरी नहीं है, ये वाला सेकेंड मेथड आप अडॉप्ट कर लो। पोटेंशियल डिफरेंस x यहां और ये प्लस 10, तो डिफरेंस कितने का x माइनस 10 का, ये देखो माइनस 20 क्योंकि ये देखो माइनस है और ये प्लस है, तो यहां पे कितना माइनस 20 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का x प्लस 20 का, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का x माइनस 15 का, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है प्लस 15 है, तो x माइनस 15, ये प्लस 5 वोल्ट है तो x माइनस 5 हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली आपको आना चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप इसको लिख लो, मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ये 5 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है और ये 10 कुछ ले लो यार, क्या ले लो 8 वोल्ट ले लो, और यहाँ क्या ले लो ये 20 है, ये मान लो 4 ओम है, ये 6 ओम है और ये क्या 30 वोल्ट ले लो, ठीक। और यहाँ एक प्रॉब्लम मैंने दिया, मान लो ये 30 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 15 वोल्ट है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 15 ओम है, ये 5 ओम है और ये क्या ले लो ये दोनों 10 वोल्ट ले लो और ये 20 वोल्ट ले लो। आपको क्या बताना है करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस दोनों क्वेश्चन में, है ना, और दोनों क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से देखो आप। सबसे पहला नंबर बच्चों यहाँ पे देखो आप, ये जंक्शन मुझे लग रहा है जिसका पोटेंशियल मुझे नहीं पता है, ठीक। तो इस जंक्शन का पोटेंशियल मान लो बच्चों मैंने एक्स ले लिया, ठीक है ओके।
और इस वाले ब्रांच में मैंने मान लो आई वन करेंट ले लिया, इस वाले में सपोज करो बच्चों आई टू ले लिया, इस वाले में आई थ्री ले लिया और इस वाले में आई फोर ले लिया, चेक आई फोर ले लिया, ओके। इस वाले में आई फाइव ले लो और इस वाले में आई सिक्स ले लो, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये देखो ये कितना वोल्ट है, माइनस टेन वोल्ट, तो x प्लस यानी अगर हम यहां पे देखें तो क्या आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री और प्लस आई फोर इक्वल टू जीरो, यस ये आई फोर है बच्चों, आई फोर इक्वल टू जीरो, आई वन कितना हुआ x प्लस टेन अपॉन हाउ मच दस प्लस x x और ये भी क्या माइनस फाइव है, तो x प्लस फाइव बाई कितना थ्री प्लस ये वाले पे ये प्लस एट है, तो एक्स माइनस एट को जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह कितना है सिक्स, और आई फोर बच्चों कितना प्लस, यहां पे तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो देखो बच्चों यहां पे कितना वोल्ट है एक्स है ना, और यहां कितना है माइनस ट्वेंटी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां और यहां के बीच में कितना हुआ x प्लस ट्वेंटी हुआ, या ट्वेंटी प्लस x लिख लो या x प्लस ट्वेंटी लिख लो वट एवर, तो x प्लस ट्वेंटी हुआ, तो प्लस यहां पे काम करते हैं प्लस आई फोर था ना, तो आई फोर कितना हो गया यहां पे आई फोर ही बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं, मान लो आई फाइव प्लस आई सिक्स इक्वल्स टू हाउ मच जीरो, अरे ये आई फोर है ना, ये आई फोर है विच इज व्हाट आई फाइव प्लस आई सिक्स, तो आई फाइव कितना है आई फाइव हो गया एक्स प्लस ट्वेंटी है ना, और बच्चों यहां पे ये जीरो वोल्ट है, ये जीरो वोल्ट, ये जीरो वोल्ट और ये जीरो वोल्ट, तो आप क्या लिखोगे, इसी को हम लिखेंगे एक्स माइनस एक्स प्लस टेन अपॉन टेन प्लस एक्स प्लस फाइव बाई थ्री प्लस हाउ मच एक्स माइनस एट बाई सिक्स प्लस प्लस हाउ मच आई फाइव प्लस आई सिक्स, पोटेंशियल डिफरेंस यहां और यहां के बीच में कितना हुआ एक्स प्लस ट्वेंटी माइनस जीरो अपॉन कितना वोल्ट, कितना ओम का है फोर ओम का रेजिस्टेंस प्लस एक्स प्लस ट्वेंटी माइनस जीरो अपॉन हाउ मच अपॉन हाउ मच छ इक्वल्स टू जीरो, बस अब यहां से क्या करोगे एक्स निकाल लोगे, एक्स आ गया तो सर एक्स की वैल्यू ये आई वन आ जाएगा, ये क्या आई टू आ जाएगा बच्चों, क्या ये आई थ्री हो गया, आई फोर की जगह सर आई फोर इक्वल टू आई फाइव है प्लस आई सिक्स है, तो यानी आई फाइव और आई सिक्स सब आ गया। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप कहीं पे भी देखोगे ऐसे पूछ रहे हैं, लेकिन डेटा लेके करते चलो, आपको बस कुछ नहीं करना है, एक अनोन पोटेंशियल देख लेना है कि कौन सा जंक्शन बन रहा है सर, वो जंक्शन से आप करंट भेज दो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, और ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान देना है आपको, जैसे इस प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, देखो क्या है डिफरेंस सर, यहाँ इतना पता लग रहा है या नोन है तो एक्स हो गया, इधर करंट भेज दो आई वन, इधर आई टू भेज दो, इधर आई थ्री भेज दो, सर इस ब्रांच में करंट होगा आई फोर, और इस वाले ब्रांच में मान लो बच्चों ये आई फाइव है और ये क्या हो गया सर आई सिक्स हो गया, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं, यहां बोलो क्या आएगा एक्स माइनस थर्टी, मतलब वही अगर आप प्रॉपर लिखोगे तो पूरा प्रॉपर लिखो, आई वन प्लस आई टू प्लस इस वाले ब्रांच से जो निकल रहा है थ्री प्लस आई फोर इक्वल्स टू हम जीरो, और फिर आप क्या करोगे एक्स माइनस थर्टी अपॉन कितना बच्चों टेन प्लस एक्स माइनस कितना सर इस वाले में बैटरी है ही नहीं, तो ये जीरो वोल्ट ले लो, ये जीरो वोल्ट ले लो और ये जीरो वोल्ट ले लो और ये जीरो वोल्ट ले लो, तो x माइनस थर्टी अपॉन टेन एक्स माइनस जीरो अपॉन कितना अपॉन फाइव प्लस x माइनस टेन अपॉन कितना फिफ्टीन, और i4 प्लस आई फोर क्या होगा बच्चों
i4 देखो, यहाँ आप एक काम करो, इसको लिख लो आप i4, i4 हुआ। यहाँ पे पोटेंशियल मुझे नहीं पता है, तो यहाँ आप मान लो y मान लो, तो क्या लिखोगे? x माइनस y अपॉन हाउ मच 20 इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। अब एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, बिकॉज यू हैव टू वेरिएबल x एंड y, सो यू नीड टू एस्टैब्लिश अनदर इक्वेशन, एंड फॉर दैट टू हैपन सर थिंग्स आर वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या है, ऐसे आया था i4 इक्वल्स टू, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इस पर्टिकुलर ब्रांच पे क्या कहानी हो रही है सर? ऐसा है कि i4 है व्हिच इज व्हाट i5 प्लस i6। बच्चों यहाँ मैंने ये मान लिया है ना कि ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, तो मैंने अकॉर्डिंगली लिखा है x माइनस वाई। ठीक, तो i4 मैंने मान लिया इधर है, तो ठीक है कोई बात नहीं है, i4 इक्वल टू i5 प्लस i6 होगा। अगर आप इसको हाई पोटेंशियल पे मानते तो यहां से ऐसे दौड़ाते, इधर i4 होता, इधर i5, इधर i6, और फिर i4 प्लस i5 प्लस i6 इक्वल टू आप 0। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, i4 बताओ कितना है, i4 इज व्हाट, x माइनस y सर अपॉन 20 इक्वल टू हाउ मच, y माइनस 20 अपॉन कितना है, y माइनस 20 अपॉन, बच्चों ये प्लस 20 है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, y माइनस 20 का हुआ अपॉन व्हाट 20 प्लस ये कितना है 15 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ y माइनस 15 अपॉन कितना 5, है ना। ये y माइनस 15 कैसे लिख दिया पता आपको, ये y है, यहाँ 20 वोल्ट है ना, तो डायरेक्टली कर लिया मैंने, और ये कितना y माइनस कितना 15 प्लस 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू, नहीं इक्वल्स टू नहीं हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल है ना, तो अब क्या करोगे, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और x और y आ गया तो बाद बाकी आप i1 i2 i3 i4 i5 i6 कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो पूरा का पूरा कहानी यही है KCL में, कि जो जंक्शन होता है वहां से आप अननोन पोटेंशियल, दो तरह के प्रॉब्लम होंगे, एक सिंपल वाले में क्या होंगे, एक आपको जो लॉरी दे रखी होगी उस पे क्या होगा, बच्चों की एक ही आपको बैटरी दे रखी हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको पोटेंशियल पता लगेगा कि ये पॉइंट का पोटेंशियल 10 है या 20 है, और अकॉर्डिंगली आप करंट कैलकुलेट करोगे। लेकिन दूसरे टाइप के प्रॉब्लम में जो होगा कि जो बैटरी है सिंगल, आपको कोई लॉरी ही नहीं मिलेगी जिसमें कि क्या होगा, बैटरी केवल लगा होगा, रेसिस्टर भी लगा होगा। तो इसका मतलब है कि जो पहले हम ले लेते थे 20 वोल्ट वाली कहानी या 10 वोल्ट वाली, वो वाली अब नहीं, अब एक्स लेना पड़ेगा, और एक्स से आप क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में करंट को दौड़ा दो, और फिर KCL यूज करके एक्स की वैल्यू निकालो, फिर अकॉर्डिंगली करंट आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें एक्स और वाई दोनों आता है ना, तो एक्स और वाई जब दोनों आता है तो फिर ऐसे केस में बच्चों क्या करते हैं कि आपको इसका ध्यान रखना पड़ता है इस बात का, यहाँ तक तो ठीक है सर, x वाला लिख दिया आपने, x माइनस y अपॉन 20 इक्वल टू 0 हो गया, और ये जो है आपका एक्चुअली i4 है व्हिच इज i5 प्लस i6, तो i4 इक्वल टू i5 प्लस i6 हो गया। और फिर आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करके फिर आप करंट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जो होता है ना, वो हम KCL का यूज करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, और बहुत ही बेहतरीन मेथड है, KVL लगाने की जरूरत ही नहीं, आपका सारा का सारा प्रॉब्लम जो हुआ करेंट का और कैपेसिटर दोनों का KCL से ही हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा EMF के बारे में आइडिया लेंगे, और फिर ढेर सारी प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।